Chapman sabe ganhar pra Roman Reigns, sabe ganhar do Samara, já foi jogar com o Robert Wagner, né? Eu queria ter visto esse lugar. वैसे ये शो के लिए बहुत तैयारी की जाती थी, काफ़ी टाइम पहले से ये शो प्लान रख था और लिस्ट वगैरह थी मेरे पास ऑलरेडी, तो बहुत मेहनत, वैसे हर शो के लिए मैं मेहनत करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगी तब तक लोग शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे, और फिर आगे मैं कैसे अपना टैलेंट निकाल सकूँगी, आप कैसे अपना गाना सुना सकूँगी, जैसे मेहनत हर हर किसी को करनी चाहिए, और वैसे ही मैंने भी इनफैक्ट जितने ही सिंगर्स हैं सबने बहुत सारे आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है इस शो के लिए। अलग क्या मतलब स्टेज परफॉर्मेंस में स्टेज के बच्चे बच्चे नहीं है बट स्टेज पे गाना और एक प्लेबैक का दोनों में क्या डिफरेंस है? दादू के पास सीखने में मुझे थोड़ा टाइम है, मैं वैसे उनके साथ 10 साल से हूँ कुछ में, कुछ टाइम पहले से मैंने उनकी क्लास ज्वाइन की है, और उनका सबसे अच्छा एक जो मैंने उनसे सीखा है वो है कि प्लेबैक कैसे करना है, वो बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है, बिकॉज आप आपकी वॉइस में ठहराव आ जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इमोशंस, एक्सप्रेशन, सब चीज़ें इतने अच्छे से वो सिखाते हैं, और वो उनकी कॉम्पोजिशन भी इतनी प्यारी होती है ना कि वो ऑटोमेटिकली उसमें इमोशंस आ ही जाते हैं। मेरे ख्याल से कभी कभी होता है ना जब आप अपनों में जाते हो और ऐसी चीज़ करते हो जिससे आपके करते हो या ऐसी कोई चीज़ करते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तब आपको मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन एक जो कंफर्ट आता है वो ऐसे ही आ जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ है इस शो के मामले में, मैं आपको बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस शो में परफॉर्म करना जब डिसाइड हुआ उससे पहले, उससे प्रॉबेबली एक हफ्ते पहले वी हैड अ प्रोग्राम इन एमपी के पास, नहीं जहाँ पे एक किशोर का थी समाधि, खंडवा, खंडवा में प्रोग्राम था, एंड खंडवा में मैंने प्रोग्राम्स किए हैं पहले बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे टुक अस टू किशोर का समाधि, और उनका वहाँ पे इतना खूबसूरत फोटो था, मतलब इट वॉज सो लाइव, और हम लोग सब वही बात कर रहे थे कि यहाँ आके ऐसे लगता नहीं है कि ये है नहीं, क्योंकि उनके गाने बजने हैं जगह, उनका वो स्माइलिंग फोटो है, वो एटमोसफियर कुछ अलग ही था, अलग ही चार्ज था, और उसके 3-4 दिन बाद राजी, उन्होंने वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कैसे सुन, उन्होंने कहा राजी मुझे गाना है, आप मुझे एक गाना दो, आप मुझे दो दो, आप मुझे आधा दो, लेकिन मुझे इस स्टेज पर इस शो में गाना है, परफॉर्म करना है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल ओकेजन, एंड आई एम सिंगिंग विद अमिता एंड सिंगिंग ऑल दिस वंडरफुल आर्टिस्ट शैलजा अशोका एंड सिद्धांत द राइजिंग स्टार, इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट, इट्स सो मच फन, एंड यू सॉ द म्यूजिशियंस, दे आर ब्रिलियंट, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल, सो इट्स वंडरफुल, थैंक यू।